हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे जो सामने जो चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं एग्जाम्स में, आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी, इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भू राजस्व पद्धति, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, आप जिस तरीके से नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। असल में लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने इधर उधर के कई तरीके से जोर जबरदस्ती करके टैक्स वसूलते थे, लेकिन फिर कुछ भारत के इलाकों में विद्रोह जैसी स्थिति हुई, कई तरह की दिक्कतें आती थी और बहुत बुरा हाल हो जाता था। इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे जगह स्पेसिफिक ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया गया था। पहला जो सिस्टम था वो था अस्थाई बंदोबस्त, जो कि बहुत लोग जानते भी होंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं परमानेंट, परमानेंट की हिंदी होती है अस्थाई। एक जो बहुत छुपा हुआ फैक्ट है, इसका एक और नाम है स्तंभरारी। तो अगर आपको ये नहीं याद होगा तो आप ये याद कर लीजिए, स्तंभरारी व्यवस्था जो था वो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था। उस समय के ये गवर्नर जनरल, गवर्नर यहाँ के थे, तो उन्होंने ये व्यवस्था लाया था जिसे स्तंभरारी अस्थाई या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो एग्जाम के दृष्टि से तीन चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, कौन लाया, किसके रिकमेंडेशन पे आया, जो कि बहुत बार पूछा गया है हर एग्जाम में, और किस जगह पे लागू हुआ। दोस्तों अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कहीं भी उलझन नहीं होगा। समझते हैं इसके बेसिक डिफरेंस को, क्या अलग अलग चीज़ें हैं। जो अस्थाई बंदोबस्त लाया गया वो बंगाल में लाया गया, बिहार में लाया गया, उड़ीसा में लाया गया, बनारस में लाया गया और मद्रास का एक डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, बस इस जिला में, साउथ इंडिया में एक यही है। बाकी बनारस, बंगाल, बिहार तीनों तो बी से है, मद्रास का एक कुर्ग याद कर लीजिए और इसी बंगाल के बगल में है उड़ीसा। कहने का ये मतलब है कि पूरे लगभग ईस्टर्न इंडिया में ये व्यवस्था लागू हो गई, इसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ईस्टर्न इंडिया में कौन सा व्यवस्था लागू था, परमानेंट सेटलमेंट 1793 लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। उसके बाद अब जाहिर सी बात है ये सेटलमेंट था तो किसी ने इसको डिजाइन किया है, हर सेटलमेंट को किसी ना किसी ने डिजाइन किया है। उस आदमी का नाम जरूर याद रखना चाहिए, तो सर जॉन सोर जो थे उन्होंने इसका प्लान तैयार किया था। कि इसमें प्लान क्या था, 1/11 जो रेवेन्यू होगा, जो आय होगा, उसे जमींदार अपने पास रखते थे और 10/11 मतलब कि 90% से भी ज़्यादा जो है वो जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। अगर 110 रुपया आता है रेवेन्यू तो इसमें से ये 10 रुपये रखते थे और 100 रुपये दे देते थे ब्रिटिश सरकार को। ये इसका मेन सिस्टम था, ठीक है। तो आप ये समझ गए बेसिक कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ क्या होता है, 1/11 जमींदारों को मिलता था, तो जमींदार इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ा है, क्वेश्चन यहाँ से भी उठते हैं। जमींदार जबरदस्ती किसानों को बहुत अन्न उगाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देने के लिए कहते थे, बहुत ज़्यादती करते थे, उन्हें ढेर सारा कर्जा उन पर लादते थे, तरह तरीके के ब्याज का उल्टा सीधा हिसाब देखते थे। क्यों? क्योंकि इनके 1/1 में इन्हें ज़्यादा फायदा हो 1/11 में, जिससे वहाँ की जो किसान है वो बहुत गरीब होते गए और जमींदार शहरों में रहने लगे और एब्सेंटी लॉर्ड, लैंड लॉर्डिज्म एक डेवलप हुआ। मतलब हम एब्सेंट हैं लैंडलॉर्ड होते हुए भी, और हमारे अधिकारी जाते थे और ज़्यादती करते थे, मारते पीटते थे और ज़बरदस्ती उनका सारा खाना पीना लेके आ जाते थे। तो ये एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। 1/11, 10/11 जरूर याद रखिएगा, 10/11 कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर रखिए। 10/11 जिसकी सरकार है ब्रिटिश सरकार को जाती थी, सर जॉन सोर ने प्लान किया था और लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम में 1793 में लगा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास का एक कुर्ग। अब देखिए अगला जो है, दूसरा जो यहाँ व्यवस्था है वो है रैयत वाली पद्धति। रैयत का मीनिंग समझिए, रैयत मतलब होता था किसान, कल्टीवेटर, जो खेती करते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज होता था रैयत वाली। इस सिस्टम को बॉम्बे और मद्रास, इसमें दो ही नाम है इसलिए बहुत इजीली ये याद हो जाता है, वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने इसे लागू किया था, उनका नाम था मुनरो और चार्ल्स रीड, इन दोनों के सहयोग से ये लागू किया गया था। लेकिन ये वैज्ञानिक पद्धति है, ये साइंटिफिक थ्योरी था, तो उस साइंटिस्ट का नाम भी हम देखेंगे, साइंटिस्ट नहीं दरअसल वो सोशल साइंटिस्ट थे। 1820 पहले याद रखेंगे बॉम्बे एंड मद्रास, आपको मैंने बताया मद्रास एवं कुर्ग पहले छाट लिए, मद्रास का कुर्ग जिला कहाँ, अस्थाई में, बाकी पूरा मद्रास आ गया रैयतवाड़ी में, किसानों को रैयत कहा जाता था वहाँ, तो इसलिए ये रैयतवाड़ी सिस्टम का नाम दिया गया। इसकी खासियत क्या थी,
इसमें बीच में लैंडलॉर्ड नहीं थे, डायरेक्ट किसानों से ही एग्रीमेंट किया गया था, 30 साल का हिसाब किताब देख के उनसे आय वसूला जाता था। तो ये इसकी बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रैयतवारी सिस्टम 1820 और थॉमस मुनरो चार्ल्स रीड के रिकमेंडेशन पे। अब चूंकि इसका डिजाइन भी किसी ना किसी ने रेडी किया होगा, उसका नाम जानते हैं, वो थे रिकार्डो, यहाँ मैंने लिखा है रिकार्डो, बेस्ड ऑन साइंटिफिक रेंट थ्योरी, वैज्ञानिक रेंट थ्योरी जो था किसका था, वो रिकार्डो का था। मैंने ये इंग्लिश में लिखा है चूंकि ये नाम पूरा इंग्लिश में ही है, तो रिकार्डो के वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित था। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने इसे लागू किया था, मैंने बताया था लागू कोई और करेगा, थ्योरी किसी और कराएगा, सिस्टम कोई और बनाएगा, डिजाइन कोई और बनाएगा। इसके बैड इफेक्ट ये हुए कि गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिसर्स के द्वारा बहुत ही तरीके के अत्याचार करने लगी इन सब इलाकों में। और आपने मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स में ये पढ़ा भी होगा कि इससे जो किसान रिवोल्ट हुए हैं इन इलाकों में, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है और उससे भी बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं, तो आप ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बैड इफेक्ट ये हो गए कि बहुत तरीके से कर्जे में लोग जू गए। अगला जो है वो है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल क्या होता है? महाल अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपको पता होगा, गाँव के समूह को किसानों के जो कॉमन ऑनरशिप राइट होता है उसको महाल कहते हैं। महाल शब्द यहाँ यूज होता है गाँव के समूह के लिए। तो ये कहाँ कहाँ लागू हुआ आपने देखा, ये लगभग साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ये ईस्ट इंडिया, अब जो बच गए इलाके हैं वो इधर लग गए। महालवाड़ी में गंगा घाटी मतलब नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चूंकि उस समय वो पार्ट था पाकिस्तान का इलाका, तो यहाँ ये लागू होता है। मध्य भारत और पंजाब, जाहिर सी बात है इन सब इलाकों से जो भी बचा वो यहाँ। इसलिए मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है उस तरीके से ही आप याद रखें तो आपको इजली दिमाग में ये सेट हो जाएगा। गंगा घाटी मध्य भारत मतलब उत्तर भारत, मध्य भारत, पंजाब और पंजाब के पीछे पाकिस्तान, सारे इलाके में ये लागू हो गया। महालवाड़ी जिसमें गांव के साथ एग्रीमेंट होता था कि आपको इतना रेंट दे देना है, इससे जो है विलेज को महाल कहते थे और लैंडलॉर्ड, महाल और जो जमींदार होते थे उनके बीच में एग्रीमेंट होता था। जमींदार जो है अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार को पैसे देते थे, रेवेन्यू देते थे। इसके साथ इससे जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे सारे सवाल को आप इजीली कर पाएंगे, मेरा ये पूरा भरोसा है। इतने इजी लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझा सकता। अगर आपको इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरे इस चैनल पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कई तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैंने बनाया है, आप उसे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक अवेलेबल होंगे, तो जाइए देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए और कई तरीके के डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर करिए ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों को पा सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।